चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए साथ करोड़। श्रोताओं, ये पहेली है अंजलि मैडम की और आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। आज हम इस पहेली का उत्तर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मेरा श्रोताओं से फिर एक बार निवेदन, कृपया जो भी कोई नया श्रोता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। विनम्र निवेदन कर रहा हूँ मैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो श्रोताओं, आज हम इस पहेली का जवाब देने जा रहे हैं। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए 7 करोड़। यह एक गूढ़ पहेली है और ये जब मैं यात्रा कर रहा था तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछी थी कि एक पहेली का जवाब दो, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए 7 करोड़। तो जब वो बुजुर्ग बाबा कह रहा था कि इस पहेली का जवाब दो, तो मेरे से इस पहेली का जवाब नहीं लगा। तो इस पहेली का जवाब उसी बुजुर्ग बाबा ने बताया। तो हम केवल प्रस्तुत करने वाले हैं, ये पहेली तो अंजलि मैडम ने ही भेजी है। तो सुनिए उस बुजुर्ग बाबा ने क्या उत्तर दिया कि एक आत्मीय व्यक्ति, हर कोई के मित्र होते हैं, तो वो आत्मीय व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो चार मिले, चार कौन मिले, उनके सबसे पहले हम भी किसी से मिलते हैं तो चार नेत्र मिलते हैं, तो चार नेत्र मिल गए, चार मिले 64 खिले। और इसके बाद में 64 क्या खिल गए, तो चार मिले 64 खिले। 64 कहते हैं यानी जब मिलते हैं तो 32 दांत उसके और 32 दांत मिलने वाले के, दोनों के 64 हो जाते हैं। क्योंकि थोड़ी हंसी तो आती है, इसलिए जब दोनों आत्मीय जन मिलते हैं तो चार मिले, चार नेत्र मिले, 64 खिले और 32 दांत उसके और 32 दांत दूसरे के, इस प्रकार से 64 दांत हो जाते हैं। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और जब आपस में नमस्ते करते हैं तो दोनों हाथों को जोड़ते हैं, तो जब दोनों हाथों को जोड़ते हैं एक हाथ में 5 उंगली होती हैं, इस प्रकार से एक व्यक्ति की 10 उंगली अंगूठे होते हैं, इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के भी 10 उंगली अंगूठे होते हैं। तो और जब उनको जोड़ते हैं तो कर जोड़, कर माने होता है हाथ, हाथों को जोड़ते हैं। 20 रहे कर जोड़, तो वो 20 हो जाते हैं, 10 अंगूठे उंगली उसके और 10 उसके, इस प्रकार से 20 हो गए, 20 रहे कर जोड़ और 20 दोनों आपस में हाथ जोड़ते हैं, इस प्रकार से वो 20 हो जाते हैं। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले, खिल गए 7 करोड़। और जब दो प्रेमी सज्जन मिलते हैं आपस में, इसका कहने का मतलब है प्रेमी सज्जन दो मिले, दो आत्मीय जन मिले, क्योंकि जब आत्मीय जन मिलेंगे तभी जाके चार मिलेंगे, चार नेत्र मिलेंगे और 64 भी तभी खिलेंगे, यानी तभी वो हंसेंगे। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और वो प्रेमी जन आत्मीय जन जब आपस में मिलेंगे तभी जाके वो 20 अंगलियां वो हाथ जोड़ेंगी, तभी वो एक दूसरे आपस में हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, तब जाके ये पहेली लगेगी। तो चार मिले 64 खिले,
बीस रहे कर जोड़, प्रेमी सज्जन दो मिले खिल गए साथ करोड़। ऐसा बताते हैं खिल गए साथ करोड़ कि जब दो प्रेमी जन या दो सज्जन आपस में मिलते हैं तो उनका रोम रोम खिल उठता है। रोम रोम खिलने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा बताते हैं एक व्यक्ति में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। हालांकि रोमों की कोई गिनती नहीं है, रोम मान होता है छिद्र, शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं। हर बाल के अंदर एक छिद्र है, लेकिन मोटे तौर पर ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर 3.5 करोड़ रोम होते हैं। तो 3.5 करोड़ एक व्यक्ति के रोम और 3.5 करोड़ एक व्यक्ति के रोम, इस प्रकार से 7 करोड़ रोम हो जाते हैं। और जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो 7 करोड़ रोम खिल उठते हैं। इसलिए प्रेमी सज्जन दो मिले खिल गए 7 करोड़। तो श्रोताओं, इस पहेली का जवाब लग चुका है। 4 मिले यानी दो व्यक्तियों के नेत्र हो जाते, दो उस एक व्यक्ति के और दो एक व्यक्ति के। 64 खिले, 64 दांत हो जाते, 32 एक व्यक्ति के दांत, 32 दूसरे व्यक्ति के दांत। 20 रहे कर जोड़, एक हाथ में 5 उंगली होती है, जब वो हाथ जोड़ते हैं नमस्कार आदि करने के लिए तो 20 उंगली अंगूठे उसके और 20 उंगली अंगूठे उसके। तो इस प्रकार से 20 उंगली अंगूठे हो जाते हैं दोनों के मिलके, 10 उसके और 10 उसके। तो 20 ये हो गए प्रेमी सज्जन दो मिले, तो दो प्रेमी सज्जन मिल जाते हैं और खिल गए 7 करोड़। और फिर जब वो मिलते हैं आपस में तो 7 करोड़ रोम खिल जाते हैं उनके। 3.5 करोड़ एक व्यक्ति में रोम होते हैं, 3.5 करोड़ दूसरे में व्यक्ति में होते हैं। तो श्रोताओं, इस प्रकार से इस पहेली का उत्तर पूर्ण हुआ। अब इस पहेली को सुनने के बाद एक बार पुनः निवेदन, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।